क्वेश्चन नंबर 56 से 4% वार्षिक दर से एक धन 2 वर्षों बाद 8112 हो जाता है, यानी दर कितनी बटे 4%, कितने परसेंट? और समय कितना है? और 8112 का मतलब है मिश्र धन कितने? 8112। तो मूल धन पी बता, क्या बता? तो मेरे मेटर बेटा 4% मतलब 4/100 होता है, 4/100 का मतलब नहीं, 4/100 का मतलब 1/1, 4 × 4 = 25। नहीं समझ आता दर कितनी है बेटा? 4% का मतलब क्या होता है? 4/100। और 4/100 का मतलब क्या होता है? 1/25। इसका मतलब ये हुआ कितना ब्याज है? 1 और किस पर है? 25 पर। कुछ नहीं दिया ब्याज, वार्षिक देंगे, यानी 25 रुपए जमा करोगे तो एक साल बाद वो कितना हो जाएगा बच्चों? 26। और सवाल कहते हैं 2 वर्षों बाद, तो एक बार 25 और 26 और इतना पड़ेगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज उत्तरोत्तर होते हैं तो हम इनका गुणा कर देंगे, यानी 25 × 25 625 और 26 × 26 कितना बेटा? यानी अगर मूलधन 625 रुपया जमा होगा तो अमाउंट कितना मिलेगा? और सवाल कहता है 2 सालों बाद अमाउंट मिला 8112। ये कुछ होना ही क्या? नहीं समझ में आता। तो भैया ये क्या हो जाएगा? आपको मालूम है यार, ये अनुपात तो वही है, तो 2/1 लगा देंगे तो हो जाएगा 625 × 8112 और बटे 600 काट देंगे अपना 13 × 5 = 65 और 13 × 2 = 26, 13 × 6 = 78, 3 × 1 = 31, 13 × 2 = 26 और 5, 13 × 4 = 52। फिर एक बार और 13 से काट देते हैं, 13 × 4 = 52, 13 × 4 = 52 और 10, 13 × 8 = 104 और काट देते हैं 4 × 4 = 4। तो ये बचे 625 और 12 तो आपको क्या लगता है अमाउंट प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा ध्यान दें बच्चों, ये बचा 625 और ये बचा 12, 12 × 60, 12 × 2 = 24 और 6 = 30 और 12 × 6 = 72, 72 और 3 कितना है? तो यही हमारे सवाल का क्या हो गया आंसर। तो मुझे लगता है आ गया होगा, कोई बड़ा इशू नहीं था, कल आपने समझा ही था इसको। अगला सवाल करते हैं बच्चों 57। अगेन दर 4% है, कितनी? क्योंकि 4% वार्षिक दर से 2 वर्षों बाद दे 169 रुपए का वर्तमान मूल्य ज्ञात करो। देखो 2 सालों बाद देना है 169 रुपए, कितने साल बाद? मैंने जैसे अभी आप कर्जा लो और 23 में और 2 साल बाद 25 में अदा करना हो, तो ये जो है जैसे 2023 में हमने कोई कर्ज लिया क्या और हमें 2025 में अदा करना है, सपोज मैं मान लेता हूँ कि 5000 रुपये का कर्जा लिया और ऐसी कुछ बात हुई कि कुछ विशेष दर है और 8000 रुपये आपको अदा करने हैं, यानी आप 2 साल में कितना ब्याज दे रहे हो? 3000। तो ये कहलाएगा प्रिंसिपल और ये कहलाएगा क्या? अमाउंट। ठीक है, ठीक है, आपने 23 में कर्जा लिया, 25 में अदा करना है, लेकिन बाई चांस थोड़ा सा 23 निकल गया, 24 में आपके पास जो है कहीं से ड्रीम इलेवन में आपका 1 करोड़ रुपया आ गया, क्या लॉटरी खोल गई, क्या खोल गई, 1.5 करोड़ रुपये आ गए, 2 करोड़ आ गए, 3 करोड़ आ गए, ठीक है ना। फिर आप सोचेंगे मेरे पास पैसे आ गए, ऐसा करते हैं जो कर्जे आते हैं सब खत्म कर देते हैं क्या? ठीक है ना। अच्छा, लोग उल्टा करते हैं, कहीं से पैसे आ जाते हैं तो और कर्जे लेते हैं। जैसे एक कोई छोरे ने कोई लॉटरी खोल ली तो उसने क्या किया, फरारी ले ली, अब जितने की लॉटरी खुली थी उसमें और थोड़ा सा लोन लगा के और बड़ी गाड़ी ले आया। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, कहीं से पैसा आ जाए, अच्छा समय आ जाए तो बुरे समय की क्या कर लीजिए, व्यवस्था कर लीजिए। तो जो कर्जा वर्जा चल रहा उसको क्या करते हैं? खत्म। तो उसने सोचा जो कर्जा चल रहा उसको निपटा देते, खत्म कर देते। अब बताओ वो जो कर्जा उसने 2023 में लिया था कितना? 5000 और जो 2025 में अदा करना है कितना? 8000। लेकिन वो चाहता है कि वो जो 8000 रुपए 2025 में देने हैं वो उसे 24 में ही अदा कर दे, तो अभी कितना देना पड़ेगा? तो आप जानते हो कि 8000 तो नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि 8000 में 23 और 2 25 कितने साल का ब्याज हुआ? 2 साल। अब वो पैसा हम 24 में देंगे तो 1 साल पहले दे रहे हैं, तो कायदे से 1 साल का ही ब्याज जोड़ना चाहिए।
तो 8000 से थोड़ा कम लगेगा, क्या लगेगा जहाँ कम लगेगा? ऐसे पैसे को कहा जाता है वर्तमान मूल्य। जो पैसा एक साल बाद 25 में देना है 8000, अगर उस पैसे को हम 24 में दें, इसमें तो कितना देना पड़ेगा? थोड़ा कम देना पड़ेगा। उसके लिए हम एक साल का बैच घटा देते हैं। क्या करते हैं? घटा देते हैं। देखो, अगर मिश्रधन से मूलधन निकालना होता है यहाँ पे तो 2 साल का बैच घटाते हैं, लेकिन मिश्रधन से वर्तमान मूल्य निकालना है तो 1 साल का बैच घटाएंगे। यानी मिश्रधन से मूलधन या वर्तमान मूल्य निकालने का प्रोसेस एक ही होता है। क्या होता है? क्या होता है? अच्छा, हम वर्तमान मूल्य कर्जा पहले का हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं। या अभी सपोज करो 23 नहीं, अभी सपोज करो 24 चल रहा है, हमने 23 में 5000 का कर्जा लिया था, 24 में अदा करना है, तो 5000 में 1 साल का ब्याज जोड़ कर उसे हम क्या करते हैं? वर्तमान मूल्य वापस कर देते हैं। तो एक वर्तमान मूल्य टर्म होता है, लेकिन होता है वो मूलधन और मिश्रधन के ही तरीके है। तो मुझे लगता है ये पिक्चर समझ में आ गई कि वर्तमान मूल्य होता क्या है। आ गई ना? अच्छा, सवाल कहते हैं 4% वार्षिक दर से। अच्छा, 4% अभी सीखा है, 4/100 क्या होता है? 1/25। यानी एक साल में, यानी 25 का क्या हो जाएगा? 26। क्या हो जाएगा? एक साल में 25 का क्या हो जाएगा? 26। और 2 साल में अगेन 25 का क्या हो जाएगा? 26। यानी 2 सालों की बात करें तो अगर 625 रुपया है तो कितना बन जाएगा? 673। लेकिन सवाल कहते हैं 2 साल बाद कितना देना है? 169 रुपये। उसे अभी देना हो तो कितना लगेगा? तो मूलधन टाइप का ही हो गया। तो आप बोलोगे कुछ कट रहे क्या? 2/1 बोल दो। क्या बोल दो? 625 × 169 और बटे क्या आ जाएगा बेटा? 13 से काटने, 13 × 13 इसको काटने, 13 × 5 = 65, 13 × 5 = 65 और 13 × 2 फिर 13 × 4 क्या? 12। तो देखो कितना आंसर आ गया, 625 / 4 कितना आ गया? 4 × 1 = 4, 2×2 = 22, 7×5 = 20, 2×5 = 25, 4×6 = 24, 10 × 4 = 8, 4×5 = 20। तो लगभग ही आ गया, कितना मिला है ना? जो भी आ गया हो। एक और सवाल है इसके लिए, बहुत से हैं। कहते बच्चों 3,90,625 को 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जो है कितने वर्षों में ये 4,56,976 रुपये हो जाएंगे? ठीक है। तो देखो अभी हमने जो सीखा है वो सीखा है रूल ऑफ पैटर्न। क्या सीखा? तो रूल ऑफ पैटर्न में हमने क्या सीखा कि मूल मालों में तो मिश्र आ जाएगा, मिश्र मालों में मूल आ जाएगा, मूल से ब्याज आ जाएगा, ब्याज से मूल आ जाएगा। लेकिन थोड़ा सा इसमें सुधार करके, थोड़ा सा गेस करके यहाँ से दर और समय का भी हिसाब निकाला जा सकता है या उसका गेस किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? ठीक है ना। तो आइए, यहाँ पर जो है आपसे समय पूछ रहा है। क्या पूछ रहे हैं? कितने वर्षों बाद? क्या पूछ रहे हैं? तो आइए देखिए हिसाब क्या बनता है क्वेश्चन नंबर 58 का। तो हिसाब ये लग रहा है मेरे को कि 3,90,625 रुपये जो है 4% दर से चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्षों में 4,56,976 रुपये हो जाए। माने क्या मतलब है कि इतना पैसा जमा किया जाए और इतना हो जाए, यही मतलब है। यानी मूलधन है 3,90,625 और मिश्रधन है कितना? 4,56,000। जबकि दर कितनी? अभी सीख रहे हैं 4%, 4/100 × 25 होता है। तो भाई यहाँ पर भी यार एक साल में 25 का क्या होगा? 26। अच्छा, दूसरे साल के लिए, 2 सालों के लिए हमें 25 का 26 एक बार और लिखना पड़ेगा। तो इन दोनों का गुणा मूलधन को शो करेगा और इन दोनों का गुणा मिश्रण को शो करेगा। 3 साल में फिर से 25 का क्या हो जाएगा? और 4 साल में फिर से? अब आपको देखना है कि यार ये प्रिंसिपल और अमाउंट आपस में कट नहीं रहे। अगर कट रहे होते तो हम थोड़ा छोटा कर लेते। क्या कर लेते? क्योंकि हमें अनुपात मिल जाता और ये गुणा भी काफी ज्यादा है, 25 का 3 बार या 4 बार। तो गुणा करके नहीं देखेंगे, लगभग आइडिया ले लेंगे। यार आइडिया है तो आप देखोगे 25 × 25 क्या होता है? और 625 आगे 625 तो 6×6 = 36 लगभग क्या जाएगा? 48 आ जाएगा। तो ये प्रोसेस 2 साल में तो मिलेगा नहीं,
तीन में भी नहीं मिलेगा, पक्का कितने साल में मिलेगा? चार साल में मिलेगा। आप चाहे तो उसको हम कोई एक चीज़ का 25 का चार बार क्या कर लें, गुणा कर लें, और गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा 3,90,625। अपने आप गेस हो जाता है, क्या होता था कि भाई दो बार में तो 625 है, तीन बार में तो इतना तो नहीं आएगा। हाँ, ये 625 और ये 625 तो छः छः क्या होते हैं 36, तो लगभग 36 और 3,39 के आसपास आ जाना चाहिए। तो डायरेक्ट समय आ गया हमारा कितना, तो बेवजह इनको हल करके हम टाइम खर्चा नहीं करेंगे। अगर ये छोटे हो जाए, चूँकि अभी छोटे नहीं हो रहे, ये पाँच से कर रहे हैं, पाँच से नहीं करता, तो ये छोटे नहीं हो रहे तो यही हमारा समय का आंसर हो जाएगा। गेस हो जाएगा। चार वर्षों में दोगुनी हो जाती है। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। न्यूटन गिव मी अदर, एक धनराशि चार वर्षों में दोगुनी हो जाती और आठ वर्ष में कितने गुने हो जाए? देखो, आप मेरे को बताओ पहले तो कि जो चक्रवर्ती ब्याज को चक्रवर्ती ब्याज क्यों कहते हैं मालूम है? मतलब मैं बताऊं आपसे कि चक्रवर्ती ब्याज में एक चक्कर होता है, क्या होता है? आपने आपने ध्यान दिया होगा कि जैसे मैंने कई बार सुन रखा है बड़े बुजुर्गों से कि गांव देहात में जिस बंदे ने सेठ महाजन साहूकार से कर्जा ले लिया, क्या लिया? छोटा मोटा कर्जा ले लिया, तो वो कर्जा कभी आधा ही नहीं होता था, वो जिंदगी भर कर्ज उतारते रहते थे और कई बार उनकी पीढ़ियां आने वाली पीढ़ियां भी वो कर्ज को फिर भी कर्जा आधा नहीं होता था। इसका रीजन क्या है? क्योंकि देखो चक्रवर्ती ब्याज, आइंस्टीन ने कहा था कि विश्व का आठवां अजूबा है, क्या तो चक्रवर्ती ब्याज में कुछ चक्र पाए जाते हैं। तो सपोज मैं दो का चक्र लेता हूँ, किसका? जैसे दो कोई धनराशि एक निश्चित वर्षों में दो गुना हो जाती है, क्या हो जाती है? तो आपको क्या लगता है आगे उतने ही वर्षों में वो दो का दो गुना क्या हो जाएगी? आगे उतने ही वर्षों में वो चार का चार गुना, आगे उतने ही वर्षों में आठ गुना क्या हो जाएगी? तो ऐसा ही चक्कर होता है। इसी तरह कोई अगर राशि निश्चित वर्षों में तीन गुना हो जाती है तो आगे तीन तीन आगे नौ तीन और आगे उतने ही वर्षों में, अगर कोई धनराशि निश्चित अमाउंट में चार सालों में पांच सालों में चार गुना हो जाती है तो आगे उतने ही सालों में चार गुणे चार कितना? 16 गुणे 4 64 गुणे 4। तो ये थोड़े से कुछ चक्र होते हैं जो इनको दिमाग में रखेंगे। अगर कोई पांच गुना तो आगे पांच गुणे पांच 25 25 गुणे 5, तो ये चक्र होते हैं। क्या होते हैं? तो चक्र जो है इसलिए खतरनाक होते हैं, क्या होते हैं? ठीक है ना, और खतरनाक भी होता है अगर इसका उपयोग करो तो फायदा भी होता है, क्या होता है? जैसे किसी कंपनी का शेयर है आपको मालूम है यार ये तो साल भर में दोगुना हो जाता है, क्या हो जाता है? तो अगर एक साल में बेटा दोगुना हो जाता है तो आगे एक साल में दो दूनी, आगे एक साल में चार दूनी, आगे एक साल में, यानी अगर यहाँ पे 1,00,000 जमा कराओगे तो केवल चार साल में एक खत्म हो जाएगा। ये कंपाउंड क्या होता है? तो इसके कुछ चक्र होते हैं। तो आइए इनके आधार पर कुछ सवाल है सीखते हैं। 59 कहते हैं एक धनराशि पांच एक धनराशि चार सालों में दो गुना हो जाती है, कितने गुना हो जाती है? तो अगले चार साल में पक्का दो का चक्र, दो दुना और पूछा उसने आठ सालों में, तो आपने देखा कि चार और चार कितने साल के हो गया? आठ सालों में ये चार गुना हो जाएगी, कितने गुना हो जाएगी? इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, जैसे मैंने कहा कोई धनराशि कितने सालों में? चार सालों में दो गुना हो जाती, तो दो गुने का मतलब ये हुआ कि यार एक जमा करोगे तो कितना हो जाएगा? तो हम पैटर्न सीख रहे हैं, तो अगले चार सालों में भी यही पैटर्न बनेगा, क्या बनेगा? फिर से एक का क्या, लेकिन चार और चार कितने साल हो गए? आठ सालों में क्या होगा? हम चक्र में चक्र बनाते गुणा करते हैं, एक गुणे
दो बोले तो चार, यानी 8 सालों में राशि स्वयं से क्या हो जाएगी? चार। अगला प्रश्न, एक धनराशि 5 सालों में स्वयं से 3 गुना हो जाती है। 5 सालों में स्वयं से, यानी 1 रुपया जमा करो कितना हो जाएगा? उसमें ऐसा आठ गुने पूछे। देखो आगे हमने ध्यान नहीं दिया, यहाँ से थोड़ा लाइट आ गई। उसने पूछे कितने गुना पूछे बताओ, अपनी तो अभी कितने गुना हो रही? चार गुना हो रही भाई, कितने गुना हो रही? तो आगे 4 सालों में राशि क्या हो जाएगी? आगे 4 सालों में राशि क्या हो जाएगी? फिर से एक का दो लिखेंगे, क्या लिखेंगे? तो 4 4 8 6 12 सालों में हो जाएगी कितना? 1 1 में 2 2 4 2 8। इस सवाल का आंसर मिल जाएगा। आगे देखिए, कहते हैं कि 60वां सवाल है, कहते हैं एक धनराशि 5 सालों में 3 गुना हो जाती, तो आगे 5 सालों में बेटा फिर से 1 का 3 लिखें। लेकिन सवाल करें 25 सालों में, तो देखो ये आगे 5 सालों में फिर से पैटर्न बनेगा किसका? आगे 5 सालों में फिर से पैटर्न बनेगा किसका? आगे 5 साल, अब कितने साल होंगे देखो, और 5 10 15 20 और कितने हो गए बच्चे, कितने साल हो गए? 25 साल में जो पैटर्नों का गुणा आया, 1 1 में 1 1 3 3 9 3 27 3 81 81 3 यानी आगे 25 सालों में राशि कितने गुना हो जाएगी? 243 गुना। क्या इतनी बात समझ में आई? अगला सवाल देखते हैं, 61 नंबर का। कहते हैं एक धनराशि 6 वर्षों में 3 गुना हो जाती है, जान दो 6 वर्षों में बेटा स्वयं से कितना हो जाती हो? तो कहते हैं 24 वर्षों में, क्या 6 6 को 24 तक लिखना है, कितनी बार आएगा? आगे 6 वर्षों का पैटर्न कैसे बनेगा? एक का अगेन आगे 6 वर्षों का पैटर्न, अभी कितने हुए 18, आगे 6 वर्षों का, अब देखो 6 4 बार हो गए, यानी कितने साल हो गए बेटा? तो 24 सालों में 6 6 का 4 बार पैटर्न बना, तो राशि 1 1 में 1 1 में 3 3 9 3 27 3। तो आप क्या बोलोगे कि यार 24 सालों में राशि कितनी गुना हो जाएगी? अगला देखते हैं बच्चों, 62। कम दिखाई दे, कहते एक धनराशि जो है 10 सालों में 4 गुना हो जाती है, 10 साल में कितने गुना हो जाती है? तो फिर कहते हैं तो कितने साल में मालूम नहीं, 64 गुना हो जाए। तो देखो अगले 10 साल में, यानी 10 और 10 कितने हो गए? 20। तो ये 1 का 4 का पैटर्न फिर से बनेगा, अगले 10 सालों में फिर से 1 का 4 पैटर्न बनेगा, क्या बनेगा बच्चा? तो थोड़ा सा घूर, ये तो 10 10 20 10 30 हो जाएंगे, 1 1 में 1 4 4 16 4, तो ये बेटा हमें पैटर्न कितनी बार जमाना पड़ेगा? 3 बार, यानी राशि 30 सालों में स्वयं से 4 4 16 4 कितने गुना हो जाएगी बेटा? 64 गुना हो जाएगा। अगला करते हैं, एक धनराशि 3 वर्षों में 8 गुना हो जाती है, ध्यान दो 3 वर्षों में कितने गुना हो जाते हैं, तो 4 वर्षों में कितने गुना हो जाएगी? था तो जब हम ऐसा कोई सवाल आता है कि 3 सालों में कितने गुना हो गए? 3 सालों में हो गए 8 गुना। अब आपसे पूछ रहे 4 साल में कितने हो जाएंगे? तो देखो हम पैटर्न बनाएंगे ना, तो अगले 3 सालों का बनेगा, कितने सालों का? 3 सालों। तो अगले 3 सालों में राशि जो है 1 1 में 1 8 64 हो जाएगी, लेकिन 3 और 3 कितने सालों? 6 साल। जबकि आप 3 6 की जगह उसने पूछा है कितने सालों की पूछा है?
बी आई कितने साल का, तीन कंपोज है कितने साल का। तो कई बार ऐसे सवालों में हम आगे तो आते हैं लेकिन कई बार ऐसे सवालों में हमें पीछे जाना पड़ता है। क्या जाना पड़ता है, पीछे जाना पड़ता है। चलो आपने मान लिया कि यार राशि जो है तीन सालों में आठ गुना हो जाती है, कितने तीन सालों में कितने गुना हो जाती है, तीन सालों में आठ गुने होने का मतलब है यह राशि एक से क्या होगी, तो आठ का मतलब है दो दूनी चार दूनी। तो अगर हम पीछे जाएंगे तो इसका मतलब ये होगा कि पहले एक साल में राशि दो गुना हुई होगी, कितना आगे एक साल में दो गुने का पैटर्न, एक इतना में दो दूनी आगे एक साल में एक का दो, यानी कुल मिलाकर एक दो तीन सालों में राशि एक से क्या हुई होगी आठ। तो क्या इतनी बात समझ में आई, कोई बात नहीं। अगर तीन सालों में आठ गुना हो जाते हैं तो अगर हमें निकालना हो भाई कि चार सालों में कितने गुना हो जाएगी, तो देखो इसी पैटर्न को एक बार हमें आगे बढ़ा देना था। देखिए एक साल में राशि एक का दो गुना, अगले एक साल में राशि अगेन एक दो यानी दो दूनी चार, अगले एक साल में राशि अगेन दो यानी दो दूनी चार दूनी आठ, और अगले एक साल में राशि अगेन दो। अब इन्हें थोड़ा सा हल कर देंगे पैटर्न के हिसाब से तो आप पाएंगे कितने साल हो गए, चार साल। चार साल में राशि स्वयं से दो दूनी चार दूनी आठ दूनी सोलह गुना हो जाएगी, कितने गुना हो जाएगी सोलह। तो मुझे लगता है ये भी बात समझ में आ गई होगी, बड़ी छोटी सी बात है। इसी तरह अगला सवाल करते हैं बच्चों, कहते हैं एक धनराशि 10 सालों में चार गुना हो जाती है। सवाल नंबर कौन सा है, अच्छा वापस आ गया, तो चलो कोई बात नहीं, ये वाला कर लिया है तो ये वाला करते हैं। कौन सा 63 क्या है सवाल, पढ़ते हैं। कहते हैं एक धनराशि 3 वर्षों में 8 गुना हो जाती है, ये भी आ गया, ये भी हो गया, कहता 64 से लेता है। कहते हैं एक धनराशि 2 वर्षों में 4 गुना हो जाती है, 2 वर्षों में कितने गुना हो जाती है बेटा, 4 गुना हो जाती है। तो बताओ 3 वर्षों में कितने गुना हो जाएगी। तो आप समझते हैं कि 4 गुना वही है तो ऐसे थोड़ी ना होगी, पहले तो 2 गुना फिर 2 दूनी 4, तो दो पैटर्न बनेंगे, कितने पैटर्न बनेंगे। यानी इसका मतलब ये है कि हो सकता है या ऐसा होगा कि पहले साल राशि 2 गुना हुई होगी और अगले साल अगेन राशि 2 गुना यानी 2 दूनी 4 गुना, यानी 2 सालों में राशि कितने गुना हो गई होगी 4 गुना, कितने गुना। लेकिन अब सवाल पूछ रहे कि क्या पूछ रहे, सवाल बताओ कि सवाल पूछ रहे क्या कि भाई 3 वर्षों में कितने गुना हो जाएगी। तो हम इस पैटर्न को एक बार और पढ़ा लेते, देखिए पहले साल अगर राशि स्वयं से 2 गुना हो जाती